हे विवश, तो आज मॉर्निंग में ही मेरा पार्सल आ गया था। मैंने ऑर्डर किया था अंजीर, और ये देखिए अंजीर है। मैंने नहीं सोचा था ये लोग बॉक्स में देंगे, बॉक्स में दिया है। एंड ये मुझे 500 का पड़ा है। पता नहीं महंगा है कि नहीं, 1 kg का है। मैं मार्केट में, मुझे रेट इसका उतना पता नहीं था, आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिया था। बट इधर मैंने ऑर्डर किया है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है। तो ये अंजीर आया है, दिखने में तो ठीक लग रहा है, बट मैं अब मार्केट में जाकर इसका प्राइस ज़रूर पता करूँगी। वैसे मुझे 500 kg का ये पड़ा है। हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज बस ये पता नहीं क्यों मेरी आँख में फिर से वही चुभन हो रही है। तो थैंक गॉड जूही, मतलब डॉक्टर ने सुनने वाली दवा दी थी, तो मैंने वही डाला है। नहीं तो अभी 1-2 घंटे से मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा पानी पानी, मतलब मैं उसका भी कभी वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग को ट्रस्ट हो। तो मुझे ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये देखिए इस आँखों में, तो मैंने अभी सुनने वाली दवा डाली, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये सुबह से 3 ग्लास पानी पिया, एंड उसके बाद पपाया खाया, और सच बताया मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई है। आज बन रहा है, मतलब सकपैता राइस। मैंने बोला था मैं राइस नहीं खाऊंगी, मैंने बोला था मैं राइस नहीं खाऊंगी, बट सकपैते के साथ मुझे राइस ही पसंद है। एंड चटनी भरता आलू का। तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी डाइट में आलू एकदम स्किप कर रही हूँ, राइस स्किप कर रही हूँ, नहीं। बट मैं जब राइस खाती हूँ तो मैं रोटी नहीं खाती हूँ, जब मैं रोटी खाती हूँ मैं राइस नहीं खाती हूँ। मैं गेहूँ के आटे की रोटी नहीं खा रही हूँ, मैं ओट्स एंड बेसन की, मैंने मैंने खुद घर में पीस लिया ओट्स। रोटी खाने उस वैसे मुझे जौ लाना है, ज्वार की रोटी, तो ये सब मुझे लाना है नहीं। तो मेरे पास ओट्स था एंड बेसन था, तो मैंने वो मिक्स करके रख लिया, तो उसी की रोटी खा रही हूँ। वैसे आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, और जो मैं एक मल्टीग्रेन, मतलब मैं खुद बनाती थी गर्मी में, जौ चना और ओट्स, इन तीनों को मिक्स करती उसकी रोटी बनाती थी गर्मी में। ठंड में तो मल्टीग्रेन मेरा आता था, बट अब मैं ज्वार रागी सब थोड़ा अलग अलग ला के रखूँगी, एंड अलग दिन पे अलग अलग बनाऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरा, मतलब मैंने पपाया खा लिया सर, सीड्स डाल के, मतलब तिल और अलसी दोनों को डाल लिया, डाल के मैंने पपाया खाया था। एंड मैंने उसके पहले ही पानी पिया, तो उसके बाद पानी नहीं पिया, मुझे लगी भूख। इस समय 3 बज रहा, 3:30 हो गया है, क्योंकि मुझे पपाया खाने में थोड़ा लेट हो गया था। अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पूरा कुछ ना कुछ नई रेसिपी डालूँ। बट अभी तो सब पता नॉर्मल हमेशा बनता रहता है, इसलिए उसकी कोई वीडियो कोई रेसिपी नहीं बनाई। मैंने आज फिर चावल की पकौड़ी वाला, मतलब पापड़ बनाया ऊपर छत पे। मैं सुबह इतनी जल्दी जल्दी रहती है ना कि धूप धूप आ जाएगी, देर में उठते हैं, जल्दी जल्दी मिक्सी में पीसना, उसको बनाना। एंड मैं चावल के आटे से नहीं, मैं मिक्सी में पीस के बनाती हूँ। मतलब 1 कटोरी आप चावल भिगो दीजिए, एंड उसको रात में भिगोइए, सुबह पूरा 5 से 6 घंटा, मतलब 8-9 घंटा भीग जाए जितना भी, उसको मिक्सी में पीस लीजिए। एंड 1 कटोरी अगर आपका चावल है तो आप उसमें 3 बड़े गिलास पानी डालिए, 3 बड़े गिलास। जो बड़ा गिलास वो है जो मैं पानी पीती हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये 3 बड़े गिलास पानी डालिए सिर्फ 1 कटोरी राइस में। 1 कटोरी राइस आप भिगोएंगे, और उसमें थोड़ा सा सोडा एंड नमक, अजवाइन, मंगरेल, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल के फिर उसको कंटिन्यू चलाते रहिए। आप रुकिए नहीं, नहीं तो गिल्टी पड़ जाता है, ऐसा पड़ जाता है। मैं उसको कंटिन्यू चलाती रहूँ चलाती रहूँ चलाती रहती हूँ, 10 मिनट में आराम से बन जाता है। फिर उसको और चलाती हूँ, बनने के बाद गैस ऑफ करके। अगर मैं कल बनाऊँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उसका पूरा वीडियो डालूँ। तो आप इस तरह बनाइएगा तो वो बन जाएगा। एंड उसके छोटी 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 पकौड़ियाँ आप डालती, जैसे आप कढ़ी की पकौड़ी डालती हैं कोई भी, तो छोटी छोटी अपनी कॉन्टिटीज पकौड़ी डालिए। एंड जब वो सूख के उसके बाद वो जो बनता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं तलूंगी मैं फिर उसको ज़रूर दिखाऊंगी आपको, अभी तो सूख रहा है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल अपना लंच खाने, और इस समय मेरा खोआ भी आ गया है, तो 2-3 दिन में मैं गुजिया भी बना लूँगी। मैं खोआ भून के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और क्योंकि जो मेरे दूध वाले भैया उन्हीं से मैं खोआ मंगाती हूँ, तो जब होली के टाइम मिलता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आज मंगा लिया है। और 2 दिन, मतलब आज मैं उसको भून के रख दूँगी, 2 दिन बाद मैं गुजिया जल्दी बनाऊँगी, मतलब 24 को छोटी, मतलब वो है होलिका दहन। होलिका दहन पूजा हम लोग करने जाएंगे नहीं, क्योंकि इस समय पूजा नहीं हो रही है। मूल मूल में है छोटा वाला बच्चा, तो 27 दिन तक पूजा नहीं होगी। जिस दिन मूल पूजा होगी उसके बाद भगवान जी की पूजा होगी। तो बस अभी मैं चलती हूँ फिलहाल अपना लंच करने। इधर बन गया है भरता, एंड इधर बन रहा है सकपैता, मतलब बन गया है। इसमें थोड़ा सा उड़द दाल, एंड हम लोग ने अरहर डाला क्योंकि चूही को नुकसान ना करे बाबू के लिए, तो उड़द दाल कम डाला है। एंड इधर भरता ये राइस, और ये है मेरी परू।
इनको मतलब आना है वीडियो में। है मेरी परू जिनको वीडियो बनाना बहुत ज्यादा पसंद, अपनी बड़ी मम्मी की तरह, राइट। और छोटा बाबू सो रहा है, तो ज़्यादातर जब मैं वीडियो बनाती हूँ वो सोता रहता है, और सोते समय उसका वीडियो मैं बना नहीं रही हूँ। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एक्टिव हो जाए, जगे, तो मैं उसका वीडियो बनाऊँगी, है ना। अब बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। अब ये मुझे गिरा देंगी, एकदम लत जा रही है। और पता भी है, मैं टीवी देखती हूँ। अच्छा, आपको पता भी है? आयु पीयू देखती हैं, आयु पीयू यूट्यूब चैनल मतलब आता है, तो वो देख रही। ओके, तो ये है राइस एंड भरता, चटनी, सकपैता एंड गाजर। वैसे इसके साथ मूली खाना चाहिए, बट मूली तो मुझे दाल चावल गर्मा गर्म पसंद है, उसके साथ मैं ये नहीं खा सकती हूँ, तो मैं पहले खा। एंड पढ़ू का क्या चल रहा है दिन भर? इस समय चुभन हो रही है आंखों में। इतना पतला था। और ले लू, इनको देखो, कट करो, जो बड़ी मम्मी करे इनको करना। खाओ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है, मेरा छोटा बाबू सो रहा है। परू ना चुड़ैल वाला देख रही थी, यानी देखिए बाबू का छोटा छोटा कप्पा। परू ना चुड़ैल वाला क्या देखती हो वीडियो? मैंने परू से हटवा दिया, मैंने अनुपमा लगवा लिया। बड़ी मम्मी की ये शिकायत आती है, और कुछ शिकायत नहीं आती। क्या शिकायत आती है? वही शिकायत आती है, और कोई दिन देखिए भैया पीते खड़े हैं, वैसे उधर देख रहे हैं इनको, और पीते के खा करो। मैं खाती नहीं, पर नहीं आप दूर से बात करिए ना। अगर आपको भी ऐसी वीडियो अच्छी लगती होगी तो ऐसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं बोल पा रही। मैंने अपना अनुपमा लगवा लिया। पर गुंडी हो गई, गुंडी क्या कर रही है? ऐसा कोई हो सकता है? हाँ, मैं वीडियो में बोल रही हूँ, तो ऐसा कोई हो सकता है। पर मोबाइल देखे, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची नहीं, अच्छी बच्ची, गंदी बच्ची। और साथ में मैं देख रही थी अपना अनुपमा सीरियल, तो मैं जाकर लंच करते समय कभी कभी मैं अपना पपाया खाती हूँ, तो मैं अनुपमा सीरियल ज़रूर देखती हूँ। एंड उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, और मुझे जब बोरिंग लगता है ना तो मैं भगा भगा के देखती हूँ, बस मुझे यही देखना रहता है, और ज़्यादा मैं कुछ देखती नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे को दिखाने डॉक्टर के यहाँ, तो मैंने अपना डिनर अपने साथ में ही रख लिया है, और मैंने क्या क्या रखा मैं भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी। दिन में तो हम लोग ने सकपैता चावल, लेकिन मेरे पति देव को शाम को मतलब दाल राइस नहीं खानी होती, या तो आप फ्राइड राइस दे दो, तो मैंने न्यूट्रीनिगेट गाजर सब्जियाँ डाल के इनके लिए तहरी बनाई, बूंदी का रायता, तो खुद के लिए कुछ बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं था। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया, मैंने क्या रखा। इसमें 7:30 बज रहा है, तो मैं अपना डिनर गाड़ी में ही करूँगी। मैं पिछली बार जब मैं गई थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करूँगी। एंड डॉक्टर इस अलीगंज में विकास नगर के पास है, तो इस समय जाम इतना ज़्यादा मिलता है ना, तो हम लोग यही सोच रहे हैं, आज लेट हो गए निकलने में, क्योंकि ये काम से गए थे, इनको टाइम लग गया। तो एक तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस समय दिखा लूँ, नहीं तो होली की छुट्टी हो जाएगी, तो डॉक्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बच्चे की दवा स्टार्ट हो जाए। तो रिपोर्ट मतलब डॉक्टर ने टेस्ट कराया था, तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, और कुछ और एक चीज़ शायद माइनस हुई है, तो वो जरूरी अब जाना है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरा डिनर में क्या है। ये देखिए मेरे डिनर में मखाना, लैया, पीनट, चना, मैंने मतलब लैया भुना हुआ, मखाना भुना हुआ, पीनट एंड चना, साथ में मैंने चिली सॉस रखा है, और मैंने अलग कटोरी में रखा है अनियन टमाटो कट करके, साथ में लेमन एंड अनियन टमाटो में मैंने नमक डाल लिया था, इसमें नहीं डाला था,
कि जब मैं बैठूंगी उस समय ही मिलाऊंगी, स्वगी स्वगी हो जाता तो। और अगर चिली सॉस मुझे खाने का मन हुआ तो ही मैं डालूँ, नहीं तो नहीं, इसलिए मैंने पाउच वाला रख लिया है। तो ये था मेरा डिनर। तो अब मैं अपना फटाफट बनाऊंगी। एंड ये देखिए, लैया मखाना और पीनट, और इसमें मैंने अनियन टमाटो कट करके डाला था, मतलब रखा ही था, वो फटाफट मैं डाल लूँगी। एंड मैं कटोरी में रस निकालूंगी ताकि उसका बीजा मैं साइड कर लूँ। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरा टिफिन नीचे ना गिर जाए क्योंकि गाड़ी चल रही थी। एंड इस समय इतनी ज़्यादा जाम भीड़ थी और राउंड राउंड मोड़ रहे थे मेरे हस्बैंड। तो अभी देखिए, मैं सारा पिज़्ज़ा अपना साइड में कर ले रही हूँ, और जब तक लेमन अच्छे से ना डालूँ तब तक टेस्ट ही नहीं आता है। अब मैं इसमें चिली सॉस भी डाल दूँगी थोड़ा सा फ्लेवरफुल करने के लिए। इसको मैं रख दूँगी साइड एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने प्याज टमाटर में ही नमक डाल लिया था क्योंकि जब मैं घर से निकली तो उसी समय मैंने कट किया था, तो मैंने फटाफट उसमें ही डाल लिया था, मैंने अलग नहीं रखा। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इसका अपना ही मज़ा है। आपको मन हो रहा? फर्स्ट टाइम मतलब गाड़ी में खाने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत टेस्टी, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। देखिए मैंने अभी डाला है ना, तो लैया मखाना सब क्रिस्पी है। तो ये लोग अभी खा के आए, नहीं तो इन लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि लेमन की जो स्मेल है पूरी गाड़ी में है ना। मानोगे खाओगे? खा लो। तो बच्चों ने दूध चक्कूस खाया, इन्होंने तहरी खाई है। और मेरे पति देखो, मेन टेंशन ये है कि डॉक्टर मिल जाए, हम लोग टाइम से पहुंच जाए। तो हम लोग ने डॉक्टर को दिखा लिया, और मेरी आंख में देखिए मैंने वहां भी दवा डाली है। अरे आज वो तो कई डॉक्टर ने सुन वाली दवा जो थी वो बहुत काम आती है। अभी मतलब मिल नहीं रही क्लिनिक पे, मैंने एक दो क्लिनिक पे पता किया है क्योंकि कम से कम दो, एक जूही के पास हो मेरे पास हो, दोनों लोग को जरूरत लगती है। तो मैं वो जो सुन वाली दवा है जूही को तो डॉक्टर के आगे थी वहाँ से मिला था। एंड मुझे ख़रीदना है, मैं सोच रही हूँ खरीद लूँ और एक जूही को दे दूँ। अभी मेरे ही पास है, पता नहीं ये कब ठीक होगा। मुझे लगता है कभी ठीक होगा। और मेरे छोटे बड़े वाले बेटे को सुई लगा, इंजेक्शन लगा क्योंकि विटामिन डी की कमी थी, तो विटामिन डी का लगा। और कैल्शियम हर चीज़ की दवा दी है डॉक्टर ने। बट गोमती नगर से इतनी दूर आना वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, और इतना ज़्यादा जाम, मेरी पति देव की गाड़ी में स्क्रैच भी लग गई। चलाना नहीं आता गाड़ी ज्यादातर, जितने भी आदमी लोग होते हैं उनको अपनी गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार होता है ना। इनका मूड ऑफ हो गया, इतनी ज्यादा भीड़ थी क्रॉसिंग के पास, मतलब वही सब्जी मंडी लगी हुई थी तो लोग अपनी बाइक खड़ी करके चले गए थे और भीड़ में अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, अच्छा खासा स्क्रैच लग गया, इनका मूड डिस्टर्ब हो गया पूरा। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं वो तो गाड़ी खड़ी थी, चला आप रहे थे। अरे तो हर जगह से चारों तरफ से खड़ी कर देंगे तो क्या होएगा। एक तो गलत जगह पे मंडी थी सब्जी मंडी, तो क्रॉसिंग वहाँ से आने जाने का रास्ता वहीं पे सब्जी मंडी लगी हुई थी। हमारी गोमती नगर में ये चीज ठीक है सब्जी मंडी का ही, बस हाँ मेरा पैसा चोरी हो गया था वहाँ मैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। एंड इन नौकनी की जो दिक्कत, उसके लिए डॉक्टर ने बेल्ट बोला है, तो वो भी कल जाएंगे। ये तो इतना दूर पड़ता है जो एड्रेस डॉक्टर ने दिया, हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा जाम।
और जहाँ मेरी दीदी जी का घर है मेरी नंद, वहाँ पे मतलब पूरी रोड धस गई थी, तो वहाँ पे भी आने जाना बंद हो गया है। उसकी वजह से जाम, मेट्रो का काम हो रहा है उसकी वजह से जाम उस साइड पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, इस समय शायद बजे 9:30-7 बजे हम लोग घर से निकले थे। ये तो कही क्लिनिक पे भीड़ नहीं थी तो फटाफट काम हो गया, नहीं तो वहाँ पे भी 1-2 घंटे तो लगने ही थे। तो वो बोल रहा था कि आप लोग लकी हैं, 2 बार आए डॉक्टर आप लोग को मिल गए, नहीं तो ज़्यादातर शाम को डॉक्टर ओपीडी मतलब अपनी बंद कर देते क्योंकि वो सर्जरी कर रहे होते हैं। और सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि नंबर ही 2-3 घंटे में आता है। तो ये तो कहिए जब जब हम लोग गए हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस ये आने जाने में जो हम लोग परेशान हुए हैं। तो मैं बस आज अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन कमेंट करना बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।